ध्यानस्थ हो गए। समाधि में जाते ही उन्होंने जोड़ा देखा अपने ध्यान में स्त्री और पुरुष का। अब स्त्री और पुरुष का जोड़ा देखा तो उसमें क्या था, मन में सोचा कि ये क्या है, तो कहते उन्होंने चिंतन किया कि ये वही स्त्री है जिसको हम माया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस माया के चक्कर में पड़ के जीव भ्रमित होता है, अशांत होता है, दुखी होता है। और ये पुरुष कौन है? तो परमात्मा। इस माया से बचना है तो इस परमात्मा की शरण में चले जाओ। अब परमात्मा की शरण में जाने के लिए ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद जो कुछ उन्होंने समाधि में देखा उसको लिख दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण नाम का ग्रंथ 18,000 श्लोक हैं जिसके अंदर ये श्रीमद् भागवत है। समाधि में जो कुछ देखा वो लिखा व्यास जी ने, लेकिन इसका अधिकारी कौन? सभी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र शुकदेव हो सकता है, लेकिन वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला गया। कैसे उनको बुलाया जाए, कैसे लाया जाए? तो कहते व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत के श्लोक याद करवाए और कहा कि जंगलों में जब जाते हो तो जोर जोर से इनका उच्चारण करना। कहते जंगलों में जाते जोर जोर से उच्चारण करते, अब शुकदेव जी बैठे थे कहीं ध्यान करते, उनके कानों में भगवान का कैसा सुंदर रूप है, कैसी उनकी लीला, क्या अलग अलग श्लोक थे। अब उनकी उस रूप को सुन करके शुकदेव जी के मन में आया कि ये है कौन जिसका ऐसा सुंदर रूप है, उसका वर्णन करते हैं। फिर श्लोक आते कि ऐसे ऐसे माखन खाते हैं, तो मन में सोचते कि मेरे पास तो पहनने को कपड़े नहीं, उनको माखन कौन खिलाएगा। श्लोक कानों में पड़ते उनके मन के अंदर उथल पुथल, रह नहीं पाए और निकल आए बाहर जहां कंदरा में बैठे थे और जो श्लोक बोल रहे थे उनको पूछा, भाई ये कहां से पाया? कहते एक नहीं, ऐसे 18,000 श्लोक हैं उसके रूप के वर्णन के। कहते किसके पास हैं? कहते चलो हम ले चलते हैं, लेके आए व्यास जी के पास। मन में शंका थी कि ये माखन खिलाना और ये सुलाना मेरे वश का नहीं, लेकिन फिर श्लोक दूसरा कान में पड़ गया, अहो बकी हम सनकाल कूटम जिंगा पया यदप प्रसाद भी, कि पूतना जो विष लगा करके स्तनों पर मारने के लिए गई उसको भी वो रू उन्होंने दिया जो माता को देना था फल। तो कहते ये तो बड़ा दयालु ही है। तब आए व्यास जी के पास, उस व्यास जी से शुकदेव जी ने निर्गुण से सगुण उपासक बन गए, अपने पुत्र शुकदेव जी को दिया और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिवर हम अब आपको बताते हैं राजा परीक्षित के जन्म कर्म और मुक्ति का प्रसंग। जिस समय महाभारत संग्राम हुआ जिसमें कौरव और पांडवों की सेना के बड़े बड़े वीर मारे गए, भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन के उरुदंड टूट गए, तो अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने एक बात कही। मैं पांडवों के मस्तक काट के आपके चरणों में ले आऊंगा। चल पड़ा। इधर भक्तवत्सल भगवान को तो अपने भक्तों का ध्यान रहता है, पता चल गया अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा क्या की है। तो क्या किया उन्होंने? पांडवों से कहा चलो हम चलते हैं, कहां? आज गंगा के किनारे जाके थोड़ा आनंद लेते हैं। कहा उनके पुत्रों को भी, पर उन्होंने कहा हमें तो नींद आ रही, हम तो नहीं जाते। ध्यान दीजिए, पांडवों को भगवान जो कहते थे बिना सोचे समझे कर देते थे, और जो उनकी आज्ञा को बिना सोचे समझे करते हैं
वो तरते हैं, उनका उद्धार होता है, उनकी रक्षा होती है। हर बार संघर्ष उनके जीवन में आता है, पर संघर्ष से पार हो जाते हैं। पुत्रों ने कहा हमें तो नींद आ रही, हम नहीं कहीं जाते, सदा के लिए सो गए। पांडव तो चले गए, बच्चे गए नहीं, और अश्वत्थामा आया, सोचा ये पांचों पांडव सो रहे हैं, अंधेरा था, पांचों का मस्तक काटा और अब ले गए। दुर्योधन के पास पहुंचे तो दुर्योधन बड़ा खुश कि पांचों पांडवों का सर काट के ला रहा है। लेकिन जैसे ही वो लेके पहुंचे दुर्योधन के पास, दुर्योधन ने देखा कि ये तो बच्चों के मस्तक हैं, और ये तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो सारे वंश का उच्छेद कर दिया। तभी दुर्योधन की मृत्यु हुई। दुर्योधन के उरुदंड टूट गए थे, पर मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु तभी हुई क्योंकि उसको वरदान था कि तुम्हारे जीवन में हर्ष और शोक दोनों जब एकत्रित होंगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। हर्ष और शोक हुआ, दूर से देख के खुश हुए, लेकिन निकट में आया तो दुखी हो गए। इधर पांडवों को पता चला, अगर जीवन में जागना चाहते हो, मृत्यु से बचना चाहते हो, मृत्यु क्या है, आवागमन का चक्कर, छूटना चाहते हो तो भगवान की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दो। उनके वचनों में जो कुछ भी उन्होंने अपने वचनों से कहा, अपने चरित्र से कहा, अपने व्यवहार से कहा, उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दो, फिर मृत्यु नहीं, आवागमन से मुक्ति मिलेगी। पांडव लौट के आए बड़े दुखी, द्रौपदी भी रो रही, और पता तो चल गया कि किसने मारा। अब जिसने मारा है उसको पकड़ करके लाते हैं। कौन गया पकड़ने? अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए कौन गया? अर्जुन। वो भागा अश्वत्थामा भी, लेकिन कहाँ भागता, कितना भागता, उसके घोड़े थक गए। अब उसने अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को चलाने का मंत्र आता था, पर उसे शांत करने का मंत्र नहीं था। इधर भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, ऐसा हो गया कि सारा संसार समाप्त हो जाएगा, पर भगवान के कहने पर अर्जुन ने मंत्र के द्वारा दोनों अस्त्रों को शांत कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ा ले आए, लेकिन द्रौपदी ने जब देखा बंधा हुआ, मुच्चताम उच्चतामेश ब्राह्मणो नित्यराम गुरु, छोड़ दो छोड़ दो, ये आपका गुरुपुत्र है, वही गुरुपुत्र जिस गुरु से आपने श्रेष्ठ धनुर्विद्या सीखी, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, छोड़ दो, क्योंकि गुरुपुत्र के रूप में आपके गुरु ही हैं, इसे मत मारो। मैं तो पुत्र शोक से रो रही हूँ, मेरे पुत्र तो मारे गए, पर फिर भी मेरा सहारा तो आप हैं, मेरा जीवन तो निकल जाएगा, पर ये तो एक ही अपने पिता का, तो इसके पिता का क्या होगा, इसलिए इसको छोड़ दो। युधिष्ठिर आदि ने सभी को अच्छा लगा, छोड़ा, पर भीम को बर्दाश्त नहीं हुआ, कहता नहीं इसको तो मारूंगा, उग्र थे ना, इसको तो मारूंगा। भगवान ने शांत किया और अर्जुन से एक बात कही, अर्जुन ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई वदारहण, ब्राह्मण को कभी भी प्राण दंड नहीं देना चाहिए, और अत्याचारी आतताई जो है धनुर को धारण करने वाला, उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं मैंने ये दो बातें शास्त्र में कही। अब अश्वत्थामा ब्राह्मण है पर आतताई भी है, अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करने वाला आतताई भी है। अब ऐसा कुछ काम करो कि जिससे मेरे शास्त्र में कहे हुए वचनों की बात रह जाए। अर्जुन समझ गए, अर्जुन गए और जाके उन्होंने क्या किया, कहते अश्वत्थामा के सर का मुंडन कर दिया। मुंडन करके उसको अपने शिविर से धक्का दे दिया, कहते बस इसी में ही ब्राह्मण का मरण हो जाता है, उसको प्राण दंड नहीं देना चाहिए।
अब अर्जुन ने भगवान की बात को समझा और ऐसा किया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब अश्वत्थामा तो वहां से चले गए उस समय, अपने पुत्रों का दाह संस्कार इत्यादि किया, पारलौकिक कर्म किया। अब भगवान सबकी शांति के लिए कुछ दिन वहीं रहे। एक दिन सबको ले गए गंगा पर, वहां सबने अपने अपने मित्र बंधुओं का नाम लेके उनको जल दिया। भगवान ने बहुत सी उनको उपदेश वहां पर दिए जगत में मृत्यु और जन्म के बारे में, कि ये जगत तो ऐसे ही है। कुछ दिन के बाद भगवान ने सोचा कि अब मेरे को यहाँ से जाना चाहिए, बहुत समय से रह रहा हूं, जाने का विचार करने लगे और तैयार करवाया अपना रथ, रथ पर चढ़े। अब रथ पर चढ़े ही थे कि इतने में सामने से जो उत्तरा थी वो दौड़ती हुई आई, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। भगवान ने देखा एक बड़ा ही तीखा बाण उसकी ओर आ रहा था। वो प्रार्थना कर रही है कि ये मुझे मार दे पर मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, शौनक जी भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अपने बाण को यहां छोड़ा है। अब भगवान ने क्या किया किसी को पता नहीं, अपना अंगुष्ठ के समान सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां जाकर के अपनी गदा के द्वारा उस बाण को नष्ट कर दिया, गर्भ की रक्षा की। इधर तो गर्भ की रक्षा करने गए, इधर पांच बाण पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा ने छोड़े, तो दूसरा जो रूप रथ पर था उससे पांचों बाणों को नष्ट करके उन्होंने उन पांडवों की रक्षा की। चलने की तैयारी होने लगी तो उनकी बुआ कुंती वहां पे आ गई और आके उनकी स्तुति करने लगी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई रथ के सामने, प्रार्थना करने लगी, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजांग्रहे। जिनका सारा स्वरूप उनके नयन, उनके नाभि, उनका जो है नेत्र, उनकी जंघा, सारा जो है वो किसके समान है, कमल के पुष्प के समान है। जिनका स्वरूप ही सारा पंकज कमल के समान है, खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं, भगवान बड़ी बड़ी आपत्तियां हमारे जीवन में आई और आपने हर आपत्ति से हमें बचाया, हर आपत्ति से रक्षा की आपने। देखो विष भरे मोदक जब मेरे पुत्र भीम को खिलाए तो आपने उससे भी इसको, वो विष भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। लाक्षा भवन में मेरे पुत्रों को जलाने का जब प्रयास किया तो वहां से भी आपने उनको बचा दिया। वन में बड़े बड़े हिडंबादी देव जो थे, दैत्य थे, उनसे भी आपने रक्षा की। क्या कहूं भगवान, अभी अभी साक्षात रूप से आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है और मेरे पांडवों को अश्वत्थामा के बाणों से भी बचाया है। बस मैं तो आपके चरणों में बार बार नमन करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। आप जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि आपको जो अच्छा लगे आप करें। भक्त भगवान को ये नहीं कहता कि आप मेरी इच्छा पूरी करो, वो कहता है भगवान जो आपको अच्छा लगता है वो मुझे दो। अगर आप मेरे को दर्द दे करके प्रसन्न होते हैं तो मैं दर्द को सहन करूंगा, अगर आप मेरे को प्रसन्नता दे के प्रसन्न होते हैं तो मैं प्रसन्न रहूंगा। राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है और यूं भी, जैसे तुम रखो जैसे रखो साईयां वैसे नाच दिखाऊं कोई चिंता नहीं, जैसा नाच आप मेरा देखना चाहते हो वैसा नाच के दिखा दूंगा और मन से नाचूंगा, मन से दुखी होके नहीं प्रसन्न होके। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई व्यक्ति भगवान के सामने जाके वो मांगेगा, जब मांगता होगा जब मांगा होगा स्वाय कुंती के।
कहती आप जाना चाहते हो तो मैं नहीं आपको रोकना चाहती। एक जशोदा और एक कुंती, इनकी कुर्बानी, इनका प्रेम किसी की तुलना नहीं कर सकता। जशोदा ने भी रोकने का प्रयास नहीं किया और कुंती भी रोकने का प्रयास नहीं करती। जाइए, पर भगवान मेरी एक छोटी सी इच्छा, आप मेरी वो इच्छा पूरी कर दीजिए। अब क्या मांगती है कुंती कि सारे राजपाट मेरे पुत्रों को मिल जाएं, मैं सुखी हो जाऊं ना। कुंती कहती भगवान विपदा संतु नाशश्वर तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यान पुनर्भव दर्शनम। विपदा, उन्होंने सुख नहीं मांगा, कुंती ने शांति नहीं मांगी, कुंती ने अपने परिवार का भी सुख नहीं मांगा। विपदा संतु नाशश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, भगवान आप कहीं भी रहें बस मेरे पर एक कृपा करें, कृपा तेरी बनी रहे। क्या कृपा बने? कहते बस मेरे जीवन में हमेशा विपत्तियां ही विपत्तियां हैं, कुछ नहीं। मेरे जीवन में सदैव विपत्तियां, सफेद आफता ही आए, कष्ट ही आए। क्यों? कहते भगवान जिस समय मेरे जीवन में विपत्तियां थी, कष्ट थे, आप मेरे सामने थे और आपका दर्शन होता था तो लगता ही नहीं था विपत्ति है। आपका दर्शन होता था तो लगता ही नहीं था कि विपत्ति है। भगवान जब मेरे जीवन में थोड़ा सा सुख का समय आया तो आप ही हमें छोड़ के जा रहे, ऐसा सुख किस काम का? सुख के माते सिल पड़े, ऐसा सुख क्या करोगे? सबसे बड़ा जीवन में दुख क्या है? जब तब सुमिरन भजन न हुई, भगवान का विस्मरण करना सबसे बड़ा दुख है भक्त के लिए। और भगवान सामने हो, दुनिया भर की मुसीबत भी हो, तो वो मुसीबत। जब मेरे जीवन में विपत्ति, इसलिए मांग रही हूं कि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति थी तभी आप मेरे साथ थे, जब विपत्ति हटी तो आप जा रहे हैं, तो वो विपत्ति किस काम की, वो सुख किस काम का? कम से कम विपत्ति होगी, आपका दर्शन हो जाएगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं जानती भगवान आपने अवतार किस लिए लिया। लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, कोई कहता है कि कौरवों को नष्ट करने के लिए अवतार लिया, कोई कहता है पांडवों की महिमा बढ़ाने के लिए अवतार लिया, पर भगवान मेरे को कुछ नहीं पता। मैं तो एक बात जानती हूं कि जो आपके निर्मल चरित्रों को सुनते हैं, आपके दिव्य चरित्रों को सुनाते हैं, वो निश्चित रूप से संसार से मुक्त हो जाते हैं। मैं और कुछ नहीं जानती। आज हम लोगों को छोड़ के जा रहे हो, पर आपके बिना हमारा कोई दूसरा रक्षक नहीं है, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। एक कृपा करते जाना कि मेरा ये मन एक क्षण के लिए भी आपके चरणों से दूर ना हो, बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। अब कुंती ने इस प्रकार भावपूर्ण 26 श्लोकों से स्तुति की और भगवान कृष्ण को देखती हुई चुप हो गई, मौन हो गई। सूत जी कहते हैं सोनक जी, कुंती की ये स्तुति सुनकर के भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं बुआ आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा कहा, रथ से उतरे और हस्तिनापुर में द्वारिका जाना कैंसिल कर दिया, नहीं गए।
अब यहाँ विकट स्थिति। कुंती कहती है कि मेरे कहने से भगवान रुके। द्रौपदी कहती है मैं उनकी बहन हूं इसलिए रुके। अर्जुन कहता है मैं उनका प्रिय हूं, लेकिन भगवान किसी के स्नेह में नहीं रुके। भगवान क्यों रुके आगे बताएंगे कि भगवान तो हस्तिनापुर गए, अंदर आके फिर से रहने लगे और प्रतिदिन युधिष्ठिर जो थे उनका दर्शन करने जाते थे। जब सुबह एक दिन दर्शन करने गए तो देखा भगवान आंखें मूंद करके बैठे। आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर को कि सारा संसार तो इनका ध्यान करता है और ये किसका कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ने अपने आंखें खोली तो पूछा भगवान आप किसका ध्यान कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण की आंखें नम हो गई, नेत्र नम हो गए और कहा कि इस समय शरशैया पर पड़े हुए भीष्म बड़े आर्त भाव से मेरे को पुकार रहे थे, बस मैं उन्हीं के पास चला गया था। सुनो राजन, ये भरतवंशी सूर्य अस्त होने वाला है, अगर आपको कुछ सीखना हो तो सीख लो, इससे ज्यादा किसी को धर्म के बारे में नहीं पता। अब ये बात सुनी तो तैयारी हो भीष्म पितामह के पास जाने की। भगवान कृष्ण के साथ पांडव तैयार हो गए। इधर बड़े बड़े ऋषियों को पता चला तो उनको पता था कि वहां पर चर्चा होगी धर्म की, क्योंकि भीष्म पितामह जैसे धर्म को जानने वाला कोई नहीं, वो भी वहां पहुंच गए। इधर पांडव भगवान कृष्ण के साथ पहुंचे, जाके सबने प्रणाम किया और भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करके वहीं खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने भी उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए मन ही मन, क्योंकि सुन तो शरशैया पर पड़े थे, मन ही मन प्रणाम किया और कहा पांडवों से अरे पुत्रों आपके साथ बहुत अन्याय हुआ, बहुत कष्ट मिला। जहां पर साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर हो, गांडीव को धारण करने वाला अर्जुन हो और साक्षात भगवान कृष्ण हो, उनके जीवन में इतनी आपत्ति इतना दुख आश्चर्य। लेकिन भगवान के विधान को कोई भी टाल नहीं सकता, संसार के सुख दुख सब उसके अधीन है, बस आप ऐसा सोच के प्रजा का पालन करें। ये जो आपके सामने है श्री कृष्ण, इनके प्रभाव को तो शिव कपिल ही जान सकते हैं और कोई नहीं, बड़ी अद्भुत माया है इनकी। यद्यपि इनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं, किसी के प्रति इनका भेदभाव नहीं, शत्रु हो मित्र हो इनके लिए सब समान हैं, फिर भी अपने भक्त पर कैसी कृपा करते हैं आज आप प्रत्यक्ष रूप में देखो। मैं तो आ नहीं सकता था और मेरा अंत समय मुझे दर्शन देने के लिए यहां पर उपस्थित हो गए। भक्ति से इनके चरणों में जो मन को लगाता है, इनके नामों का कीर्तन करता है, उनको सब प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। ये बड़े भक्त वत्सल हैं। सूर्य शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं ऋषिवरों, उस समय युधिष्ठिर ने शरशैया पर लेटे हुए भीष्म जी से मन की शांति के लिए अनेकों धर्मों के बारे में पूछा, राजधर्म, व्यवहारिक धर्म, स्त्री धर्म सब। अब ये चर्चा करते करते वो समय आया जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्तरायण का समय। उत्तरायण का समय जैसे ही आया भीष्म पितामह की वाणी बंद हो गई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मैं अपनी इस मन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं।
और वो दृश्य वो भुलाने पर भी भूल नहीं पाते थे। अपने भक्तों की रक्षा के लिए कैसे अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते। जब देखा मेरे भक्त पर अब आपत्ति आ गई तो रथ के पहिए को ही चक्र बना करके चले, और उस समय श्रम से उनके मुखारविंद पर जो बूंदे और क्रोध से जो नेत्र लाल थे, बस वही स्वरूप भीष्म पितामह के मन में बस गया था। तथा भगवान, बस आपका ये स्वरूप मेरे मन में बसा रहे, मैं और कुछ नहीं चाहता। मन को उनमें समर्पित कर उनका दर्शन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया। उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और निकल करके भगवान के उस पंच भौतिक शरीर में प्रवेश कर गए। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। वास्तव में भगवान ना तो द्रौपदी के स्नेह से रुके थे, ना कुंती के स्नेह से, वो अपने परम भक्त भीष्म पितामह पर कृपा करने के लिए वहां रुके थे, जो आज उन्होंने पूरा कर दिया। और भीष्म पितामह की ऐसी अद्भुत मृत्यु, पूरा जीवन भगवान का नाम लेते हैं लेकिन मृत्यु के समय पीड़ा इतनी हुई कि उनका नाम लेना भी भूल गए, और भीष्म पितामह के सामने साक्षात भगवान। अब ऐसी अद्भुत मृत्यु पर आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान। युधिष्ठिर का मन दुखी तो हुआ, उन्होंने उनका पारलौकिक कर्म भी किया, दाह संस्कार किया। इधर ऋषि मुनियों ने भी ज्ञान प्राप्त किया, अपने अपने आश्रमों में चले गए, और युधिष्ठिर भगवान के साथ हस्तिनापुर में लौट आए। अब वहां आए, युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए थोड़ा समय रहे, और उसके बाद भगवान ने द्वारिका जाने की तैयारी की। उद्धव और सात्यकी उनके साथ चमर लेकर के, छत्र लेकर के चले। अब जब भगवान जा रहे थे तो रास्ते में उन पर फूलों की वर्षा करते भक्त स्त्रियां, और उन पर कृपामय दृष्टि डालते हुए मुस्कुराते हुए भगवान आगे बढ़ते। द्वारिका के द्वार पर पहुंच के उन्होंने अपना जैसे ही शंख बजाया, उस शंख की ध्वनि सुनते ही द्वारिका वासियों का मन प्रसन्न हो उठा, क्योंकि बहुत समय से भगवान से बिछड़े हुए थे। वियोग हुआ था, आज हमारे नाथ, आज हमारे स्वामी आ गए, बड़े प्रसन्न हुए। लोगों ने अपने घरों के द्वारों पर दीपक जलाए, बंदनवार सजाए, सुगंधित जल छिड़काने लगे। अब उनके सामवादी पुत्र जो है अश्वों को लेकर पूजन की थाली लेकर के आए, पूजन किया। अब द्वारिका में प्रवेश करते हैं, चारों तरफ उनके सारे द्वारिकावासी खड़े। एक ही समय में भगवान अपने अलग अलग रूपों को धारण करके उनसे मिलते हैं। जो भगवान के बराबर थे उनको गले लग करके मिले, जो उनसे छोटे थे उनको स्नेह करते हुए, जो उनसे बड़े थे उनको प्रणाम करते हुए। पर भगवान की इस स्थिति को कोई जान नहीं सका, सबको आनंद मिला, सबको भगवान के मिलन का आनंद हुआ। उसके बाद अपने परिवार में गए, माता पिता से मिले, पत्नियों से, बच्चों से मिले, सब बड़े प्रसन्न हुए, आज भगवान हमारे वापस आ गए। इधर भगवान की आने के बाद राजा परीक्षित के जन्म का समय आ गया हस्तिनापुर में। गर्भ में ही जिसको मारना चाहा था अश्वत्थामा ने, पर भगवान ने रक्षा की। जिस समय सभी प्रकार से शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त था, सभी ग्रह अनुकूल थे, तो महाराज उस समय परीक्षित का जन्म हुआ था। धौम्य और कृपाचार्य आदियों को बुलाया, जिससे उनका पुण्यवाचन करवाया, उनसे बालक के भविष्य के बारे में जानकारी। सब कुछ बालक का ठीक है, इक्ष्वाकु के समान ये प्रजा का पालन करेगा,
समुद्र के समान गंभीर होगा, सिंह के समान ये पराक्रमी होगा, पृथ्वी के समान ये क्षमावान होगा, राजा रंती देव के समान उदार होगा, राजा जजाति के समान धार्मिक होगा, राजा बलि के समान धैर्यवान होगा और प्रहलाद के समान भगवत भक्त होगा। कोई कमी नहीं, किंतु सब कुछ ठीक है, किंतु इस बालक की मृत्यु होगी एक ऋषि पुत्र के श्राप से। ऋषि पुत्र का श्राप मिलेगा, उससे इनकी मृत्यु होगी। ये सुनकर के युधिष्ठिर अच्छा नहीं लगा। हमारे तो कुल देवता हैं ऋषि, उनका अपमान करेगा। पर फिर आगे बताया कि भले ही ऋषि पुत्र का श्राप मिलेगा, लेकिन सब कुछ त्याग करके राजा गंगा तट पर जाएंगे, वहां शुकदेव जी का आगमन होगा, उनके मुखारविंद से कथा सुन करके इनका मोक्ष होगा। ब्राह्मण उस बालक का नामकरण किया, उसके भविष्य के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने बहुत सारे उनको धन इत्यादि दक्षिणा आदि देके विदा किया। धीरे धीरे बालक बढ़ने लगा शुक्ल पक्ष के समान। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार ये बालक भी बढ़ने लगा। इधर राजा युधिष्ठिर को लगता था कि मैंने यज्ञ किए, अपने बंधु बांधुओं को मार दिया, तो उनके लिए मुझे कुछ यज्ञ याग करना चाहिए। तो भगवान की प्रेरणा से युधिष्ठिर के भाई जो थे भीम आदि उत्तर दिशा से स्वर्ण पात्र आदि के रूप में जो शुद्ध धन था लेकर के आए, और उससे इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, और उनको लगा कि मैंने अपना प्रायश्चित कर लिया। इधर जब महाभारत का संग्राम होने वाला था, विदुर ही दुर्योधन के व्यवहार से कुछ खिन्न होकर के, उदास होकर के राज्य को छोड़ के वनों में चले गए थे। वो वहां पर अपना भगवान के निमित्त व्रत करते, तीर्थों पर रहते, भगवान का स्मरण करते, भजन करते। अब वो भी हस्तिनापुर में आए। युधिष्ठिर ने जब देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, उनका मन भर गया कि हमारे चाचा विदुर आए हैं, इन्हीं की वजह से तो हम कई बार बचे थे। उन्होंने उनके चरणों का प्रक्षालन किया, अंदर ले गए और पूछा उनसे कि कैसे कैसे आप यात्रा में रहे क्या। और विदुर जी ने सारी बात बताई, यात्रा पे कैसे रहे, क्या हुआ, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भगवान इस समय धराधाम पे नहीं, क्योंकि उनको पता था ये सुनेंगे तो दुखी हो जाएंगे, फिर थोड़े समय बाद इनको ये पता चल ही जाएगा। और विदुर जी के आने का कारण कोई ये नहीं था कि वो द्वारा राज्य में रहना चाहते थे, वो अपने भाई पर थोड़ा सा कृपा करना चाहते थे कि जीवन भर तो मेरे भाई ने जो कुछ किया, अब जो अंत समय है उसमें कुछ अच्छा करके अपने जीवन को सुधार ले। अब जब जब समय मिलता वो बार बार अपने भाई धृतराष्ट्र को समझाते कि आपने ये जो किया है अच्छा थोड़ी, मृत्यु से तो कोई नहीं बचेगा, आप भी नहीं बचोगे, अब भी आपके पास समय है। अब बार बार जब अपने भाई को समझाते तो धृतराष्ट्र को भी लगा कि हाँ मैं गलत तो हुई, मैंने गलत कार्य किया है, अब उसका प्रायश्चित करना चाहिए। रात को सब सोए थे कि सब कुछ छोड़ करके धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ ऋषियों के आश्रम में चले गए हिमालय में। इधर अगले दिन युधिष्ठिर ने देखा कि हमारे पिता ना जाने कहाँ चले गए, बड़े दुखी हुए, पर नारद जी ने आके उनको समझाया कि आप चिंता मत करो, वो जहाँ गए हैं वहाँ ठीक है, अपने कल्याण के लिए गए हैं। और इधर वहां आकर के उन्होंने जो है केवल जल पी करके साधना शुरू कर दी। अब साधना शुरू की और उसके प्रभाव से उन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को इतनी जल्दी विजयी कर लिया और अंत में अपने शरीर को छोड़ा और भगवान के धाम चले गए। वहीं गांधारी भी इनके साथ सती हो गई और विदुर जी अपने तीर्थ यात्रा पे चले गए। एक बार कोई समाचार नहीं मिला, बहुत समय हो गया, तो युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन को भगवान के यहाँ भेजा समाचार लेने के लिए। लेकिन बहुत दिन हो गए कोई समाचार नहीं आया। भीम के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं,
कि सूर्य की कांति मलिन सी हो रही है, उल्लू भयंकर आवाज करते हैं दिन में, बार बार अग्नि में घी डालते हैं फिर भी अग्नि बुझ जाती है, देव प्रतिमाएं रोती हुई सी दिखाई देती हैं, बिना किसी कारण के वृक्ष जड़ से उखड़ के गिर जाते हैं। ये सब जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है, ये तो अनिष्टकारी है, कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। और इधर बहुत दिनों से अर्जुन भी द्वारिका से लौटे नहीं, अब इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, सोच रहे थे कि इतने में अर्जुन सामने से आए। अब पहले तो अर्जुन कहीं जाते थे, बाहर से आते थे तो दौड़ के आके अपने भाई से लिपट जाते थे, लेकिन आज उनसे चला ही नहीं जा रहा, कदम आगे रखते हैं गिरते पीछे को हैं। ऐसी विचित्र सी स्थिति देखी तो युधिष्ठिर ने पूछा, क्या बात है भाई, कहीं तुम्हारा अपमान हुआ है, जब तुम कहीं से पराजित होकर के आए हो, किसी ने तुम्हें कोई कटु शब्द तो नहीं कहे, या ऐसा तो नहीं आपने किसी को अपनी शरण ना दी हो, या शरण दी हो तो उसकी रक्षा ना की हो, या किसी वृद्ध को भोजन दिए बिना आपने पहले कर लिया हो, कोई ना कोई अनर्थ तो तुमसे हुआ है, नहीं तो तुम्हारी ऐसी स्थिति तो नहीं होती। अरे भगवान तो ठीक है ना, कहीं भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के तो नहीं चले गए, जैसे ही भगवान का नाम लिया तो महाराज अर्जुन के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गया, रोने लगे, स्मरण करने लगे भगवान के उपकारों को, भगवान की उन दिव्य लीलाओं को। भैया आज मेरा तेज खींच करके भगवान अपने धाम चले गए, मेरा कोई तेज नहीं, वो तेज तो भगवान का था, आज मेरा शरीर निष्प्राण हो गया है, द्रौपदी स्वयंवर में जो मैंने मत्स्य वेधा था, द्रौपदी प्राप्त की थी वो मेरी शक्ति नहीं थी, उन्हीं की शक्ति थी, जिनके प्रभाव से भाई भीम ने अजय जरासंध को मारा था और बंधी राजाओं को मुक्त कराया था, वो भगवान आज हमारे बीच में नहीं, एक एक लीला का स्मरण कर रहे हैं, एक एक लीला का स्मरण कर रहे हैं, स्मरण हो रहा। पाशुपात अस्त्र जो हमें मिला था वो भी उन्हीं की कृपा से मिला था, उन्हीं की कृपा से ही इंद्र ने हमें अपना आधा आसन दिया था, अब निरंतर भगवान की उन दिव्य लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, उनकी कृपा को, उनके उपकारों को याद कर रहे हैं। लेकिन भगवान के उन दिव्य चरित्रों को स्मरण करते करते अर्जुन का मन एकदम पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। और इधर युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान ने इस धराधाम को छोड़ दिया है तो निश्चित रूप से कलयुग का आक्रमण हो गया, अब हमें यहाँ रहना उचित नहीं। उन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक का कार्य सौंपा और स्वयं चल पड़े हिमालय की ओर, उनके पीछे पीछे उनके भाई। अब कुंती ने तो जैसे ही सुना कि भगवान ने इस धाम को छोड़ दिया, वहीं अपने शरीर को समाप्त कर दिया और भाई जो है हिमालय की ओर चल पड़े, द्रौपदी भी उनके पीछे पीछे। जो भी मनुष्य श्रद्धा से भगवान के प्रिय पांडवों का मंगल में ये आख्यान महाप्रयाण सुनता है वह भगवान की प्राप्ति कर मोक्ष लाभ को प्राप्त करता है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों अब पांडवों के जाने के बाद अब जो परीक्षित थे ब्राह्मणों की आज्ञा से पृथ्वी का पालन करने लगे। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हुआ जिसमें जन्मजय आदि नाम के उनके चार पुत्र हुए। इन्होंने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से आके अपने भाग को ग्रहण भी किया। एक समय परीक्षित दिग्विजय करते हुए कलिकाल को पकड़ते और कलिकाल ने उस समय राजा का वेश धारण किया होता है और अपने पैर से गाय और बैल को मारता है। शौनक जी सूत जी से पूछते हैं, हे सूत जी, राजवेश धारण करने वाला ये शूद्र कौन था जो इस प्रकार राजा का वेश धारण कर रहा और गाय को मार रहा था,
बैल को मार रहा था, ये कौन था? आप कृपा करके अगर ये कथा भगवान के भक्त की है तो हमें सुनाएं। सूत जी कहते हैं, शौनक, एक समय राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे राज्य में कलिकाल ने प्रवेश कर लिया है। धनुष बाण लेकर चतुरंगनी सेना के साथ दिग्विजय करने के लिए वो निकल पड़े। मार्ग में भद्राश्व, केतुमाल आदि बहुत से देशों को उन्होंने जो है कर ग्रहण किया, और वहाँ की प्रजा अपने मुख से उनके जो पूर्वज थे पांडव उनकी निर्मल कीर्ति का गान करते थे, प्रसन्न होके जिसको जो चाहिए वो वस्तु प्रदान करते थे। अब इस प्रकार वहाँ से कर ग्रहण करके जा रहे थे कि थोड़ी दूरी पर जाकर के एक घटना घटी। अब घटना क्या थी? सरस्वती नदी के किनारे पर राजा परीक्षित ने देखा कि डंडे से गाय और वृषभ को मार रहा है, था तो कली पर राजा का वेश धारण करके, और उसके भय से वो मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। गाय भूखी है, खाने को भूसा नहीं मिल रहा, बैल चल नहीं रहा, उसके तीन पैर काट दिए हैं, कैसे चले? और राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा तो देख कर क्या किया, अपना धनुष बाण लेकर के चल दिए। वृषभ से पूछा, गाय से पूछा कि क्या बात है, ये क्यों आपको कसे? उन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कहते क्योंकि वो जानते थे कि अधर्म करता है, कोई पाप कर्म करता है, गलत कर्म करता है, अपराध करता है, तो करने वाले को तो फल मिलता ही है, पर उसके बारे में जो बार बार चर्चा करते हैं उनको भी उसका फल भोगना पड़ता है, इसलिए वो कहना नहीं चाहते क्या हुआ। पर राजा परीक्षित तो राजा थे, मेरी प्रजा को कोई दुख दे कैसे संभव? अपना धनुष बाण निकाला, जैसे ही मारने को तैयार हुआ तो राजा का वेश धारण करने वाले कली ने अपना मुकुट उतारा और राजा के चरणों में गिर गया। राजा के चरणों में गिरा क्षमा मांगने के लिए, तो राजा परीक्षित ने कहा कि देखो, मेरी शरण में जो आ जाता है उसको फिर कोई भय नहीं होता, पर फिर भी तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। अगर तू मेरे राज्य में रहेगा तो सारे के सारे जो तुम्हारे दोष हैं मेरी प्रजा में आ जाएंगे, इसलिए मेरे राज्य में जगह नहीं। अब कली ने देखा कि अब तो कोई साधन नहीं, तो हाथ जोड़ के क्या कहा कि मैं क्या करूं, मैं जहां भी जाता हूं आप धनुष बाण लिए खड़े हैं, तो आप ही बता दें मैं कहां पे निवास करूं, मैं किस जगह पे रहूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी प्रजा में अधर्म का परिवार आए, लोभ है, असत्य है, कलह क्लेश है, ये सब नहीं आए, तो मैं बताता हूँ। चार स्थान रहने के लिए राजा ने दिए, एक द्यूत स्थान जहाँ जुआ खेला जाता है, एक मदिरालय जहाँ पे नशा आदि करते, एक वैशाल्य जहाँ वैश्याओं का निवास होता है, और एक वध स्थान जिसको कसाई खाना कहते हैं। चार जगह पे जाके आप रहो। अब द्यूत स्थान जुए के स्थान पर असत्य के रूप में कली का निवास, वहां असत्य बोला जाता है, झूठ चलता है, और मदिरालय में मद के रूप में रहता है, वैशाल्य में काम के रूप में, आसक्ति के रूप में रहता है, और कसाई खाने में निर्दयता के रूप में कली का निवास है। ये चार जगह तो मिली, पर कली ने देखा कि इसमें राजा के अंदर तो कोई ऐसा दोष है ही नहीं, और जब तक मैं राजा के शरीर में प्रवेश नहीं करूंगा प्रजा के शरीर में कैसे जाऊंगा, तो हाथ जोड़ के कहा कि ये चार स्थान मेरे लिए बहुत छोटे हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, एक और स्थान देता हूँ, चोरी से, छल से, कपट से जो प्राप्त किया हुआ स्वर्ण होगा उस स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। कली ने कहा मेरा काम हो गया, नमस्ते। ध्यान दीजिए,
जब अत्यंत दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति झुकता है तो सावधान रहने की जरूरत है, प्रसन्न होने की नहीं। ये मत सोचो कि वो झुक गया, उसके झुकने के पीछे कोई ना कोई, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। राजा वृक्ष ने सोचा ये तो गया, लेकिन वो अभी तो राजा के सामने था, अब राजा के पीछे पीछे चलने लगा। क्यों? कि राजा के जीवन में कोई प्रसंग आए ऐसा, और मैं इसके शरीर में प्रवेश करूं, मुझे अवसर मिले प्रजा के शरीर में जाने का। अब राजा ने तो सब कुछ दे दिया, सोचा अब जिसके तीन पैर काट दिए थे धर्म के, बैल के रूप में जो था उसके पैरों को भी जोड़ दिया, गाय को भी आश्वासन दिया, और आप भी चल पड़े। लेकिन कली उसके पीछे पीछे। अब जैसे शिकार खेलने जंगल में राजा जाते हैं, गए एक दिन शिकार खेलते खेलते प्यास लगी, पानी पीने के लिए इधर उधर खोज करते करते शमीक मुनि का एक आश्रम दिखाई दिया, वहां गए, पानी पीने और कोई था नहीं, और जो शमीक मुनि थे वो आंखें मूंद कर ध्यान में बैठे थे। और जाके वहां पे उन्होंने जल मांगा, मैं राजा हूं मुझे जल दीजिए, लेकिन वो तो ध्यान में बैठे थे कैसे सुनते। लेकिन राजा के मन में आया कि देखो मैं राजा हूँ और ये यहाँ पे आंखें मूंद के ढोंग कर रहा है, इसको पता नहीं कि मैं राजा हूँ, मुझे पानी दे, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। एक मृत सर्प लेके उसके गले में डाल दिया, चले गए। इतने में उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला। अब श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े आए, उस सर्प को निकाल के फेंका, पहले तो रोने लगे, फिर श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में ये सर्प डाला है, आज से ठीक सातवें दिन उसको तक्षक नाग डस देगा। शोर शराबा हल्ला गुला, इधर धीरे धीरे मुनि समाधि से बाहर आए और उनको सारी घटना का पता चला। मेरे पुत्र ने श्राप दिया, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, राजा तो ईश्वर का अंश होता है और परीक्षित पर तो पहले से उनकी कृपा है, तूने अच्छा नहीं किया। हम अगर अपने परिवार में लड़े हैं अपने भाई से भाभी से, तो हमारे बच्चे अगर उनके बारे में गलत बोलते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, होता है ऐसा? जिससे हमारी नहीं बनती, हमारा बच्चा उसके बारे में गलत बोले तो हम प्रसन्न होते हैं और उसका साथ देते हैं, बिल्कुल वो ऐसे है। थोड़े दिनों के बाद जो हम बच्चे के द्वारा दूसरे को कहलवा रहे हैं, वही शब्द बच्चा जब हमें कहने लगता है, जब वही व्यवहार हमसे करने लगता है, तो हम दुखी होते हैं। इसलिए बच्चा चाहे दूसरे से या अपने से अगर कुछ गलत कहे, गलत बोले, गलत व्यवहार करे, तो उसको रोको, उसका उत्साहवर्धन मत करो, बाद में आपको ही हानि पहुंचाने वाला है। इतना होने पर भी शमीक मुनि ने यह नहीं कहा कि तुमने ठीक किया, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ अब इस अपराध की क्षमा के लिए तुम तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाओ, और स्वयं भगवान से प्रार्थना की, अपापेषु सवृत्तेषु बाले नापक्व बुद्धिना पापम कृतम तद् भगवान सर्वात्मा क्षन्तुम् अर्हति। मेरा बालक अभी छोटा है, इसकी बुद्धि पकी नहीं है, इसने आपके भक्त को श्राप दिया, इसके लिए क्षमा कर दें। और सोचा कि राजा को भी पता होना चाहिए इसका, अपने दो शिष्यों को भेजा। इधर राजा परीक्षित जब घर में गए, जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उतारा तो उनके मन में विचार आया कि मैंने ये क्या किया, हमारे तो कुल देवता है ऋषि, कुल गुरु है ऋषि, और मैंने ऐसा क्यों किया। अब मुकुट जैसे ही उतारा तो उनके मन में विचार आया, क्योंकि दोष उस मुकुट में था। कली तो पीछे लग ही गया था, अब कली पीछे लग गया
और इधर राजा अपने मन में सोचता है कि देखो मेरे पूर्वजों ने जो खजाना अंदर रखा है उसमें क्या क्या है। खजाना खोला तो मुकुट, धन, जवाहरात, सब बड़े तरह तरह के मुकुट। मन में सोचा मैं रोज एक मुकुट पहन के घूमता हूँ, इतने मुकुट हैं, चलो मैं आज मुकुट ही बदल लेता हूँ। तो पहले मुकुट तो सोने हीरे यही होता था सब। उन्होंने एक वो मुकुट आज अपने सर पे रखा जो उनके पूर्वजों ने वनवास में जब रहते थे और युद्ध हुआ था राजा से और मूर्छित राजाओं के सर से जो उतारे थे, और स्वयं ही अपनी वाणी से कहा था कि ऐसे स्वर्ण में कली का वास होगा। अब कली तो पीछे लगा था, उसने कहा इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। अवसर मिला कब, जब ऋषि के यहां गए। अब कलयुग करेगा क्या, बुद्धि को भ्रष्ट करेगा और क्या करेगा, बुद्धि भ्रष्ट करेगा, गलत काम करवाएगा, अपराध करवाएगा, पाप करवाएगा, और वो करवाया। लेकिन जैसे ही वो मुकुट उन्होंने उतार दिया तो कली वहां से, उसको रहने की जगह नहीं मिली, भाग गया। अब उनको सोच हुई कि मैंने क्यों किया, अच्छा नहीं किया। इतने में ऋषि के दोनों शिष्य पहुंच गए कि आपको जो है श्राप मिला है, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया, कहते 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। अब आपको आके कोई बताए कि आप उस व्यक्ति के घर में गए थे, पीछे से उस व्यक्ति ने आपको गालियां दी, क्या किया, बोलो ना। अब शब्द कहे आपके बारे में गलत कहा तो क्या होगा, अपने घर में ताला भी नहीं लगाओगे, खुला छोड़ करके उस व्यक्ति से लड़ने के लिए है। अब राजा परीक्षित को श्राप मिल गया, लेकिन राजा परीक्षित ने कुछ नहीं कहा। राजा परीक्षित कहते हैं कि आज मुझे पता चला है ऋषि बड़े दयालु हैं। क्या है, ऋषि बड़े दयालु। कैसे दयालु हैं, मैंने तो इतना बड़ा पाप किया था, इतना बड़ा अपराध किया था कि अभी मेरे सहित मेरा राज्य जल करके नष्ट हो जाता, लेकिन ऋषि इतने दयालु हैं कि 7 दिन में मुझे अपनी मृत्यु को संवारने का अवसर दिया है। घटना वही होती है, सबके जीवन में घटती हैं, लेकिन भक्त उसको सकारात्मकता के रूप में देखता है और हम जैसे सामान्य व्यक्ति नकारात्मकता के रूप में। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भक्त के जीवन में कुछ नहीं बदलता, हमारे जैसा शरीर, हमारे जैसा जीवन सब होता है, लेकिन उसकी जो है सोचने की शक्ति बदल जाती है, उसका संकल्प की शक्ति बदल जाती है। बस नकारात्मकता उसके जीवन में रहती ही नहीं, और हमारे और आपके जीवन में सकारात्मकता कभी आती, इतना ही अंतर। बड़ी कृपा की, अगर कृपा की है तो जिस नश्वर राज्य के लिए, जिस नश्वर राज्य के अभिमान के चक्कर में आकर मैंने ऋषि का अपमान किया, आज से मैं उसका त्याग कर देता हूं, छोड़ दिया। छोड़ छाड़ करके गंगा के तट पर अब मुझे केवल अपनी मृत्यु को सवारना है। मृत्यु की चिंता करने से मृत्यु नहीं टलती, मृत्यु को स्मारने की जरूरत है। मृत्यु को स्मारने के लिए चल पड़े गंगा के तट पर। और जैसे ही बड़े बड़े ऋषियों को पता चला, हम घर में एक दो बच्चे हैं, छोटा सा घर है, दो चार रिश्तेदार हैं, उनको छोड़ के नहीं जा सकते, और राजा ने इतना बड़ा भरा हुआ राज्य पद छोड़ दिया, कमाल है। बड़े बड़े ऋषि वहां पर पहुंच गए, ये होती है भगवान की कृपा। लेकिन किस पर, जो राजा परीक्षित बनता है उस पर।
एक क्षण में सब कुछ छोड़ा और मृत्यु को संवारने चले ऋषि हो गए इकट्ठे, हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए बताएं, कोई नहीं बता सकता क्योंकि अगर दुर्गा का अनुष्ठान करें वो भी 9 दिन का है लेकिन यहाँ तो 7 दिन की अवसर है। अब ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि इतने में महाराज 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज अपने मुख से निरंतर भागवत का जो उच्चारण करते रहते हैं, श्लोकों को बोलते रहते हैं, धीरे धीरे श्लोकों का गायन करते करते धीरे धीरे सभा में प्रवेश हुए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सबने उनके दादा, दादा के दादा, उनके दादा के दादा सब ऋषि खड़े हैं लेकिन सब उस 16 वर्षीय सुखदेव जी को नमन कर रहे हैं। आयु की पूजा नहीं होती, धन की पूजा नहीं होती, पूजा जगत में ज्ञान की होती है। ज्ञान सबसे बड़ा है। सुखदेव जी महाराज को एक दिव्य सिंहासन पर बिठाया, पूजन किया। भगवान आज बड़ी कृपा, आपके आगमन से मेरा सारा कुल पवित्र हो गया, मुझे आपका दर्शन मिला है। भगवान मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण ने कृपा करके भेजा, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। हाथ जोड़ करके उस समय प्रश्न कर रहे हैं राजा भगवान। अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रिये मानस्य सर्वथा। भगवान आप योगियों के भी योगी हैं, उनके गुरु हैं, कृपा करके बस एक बात बतलाइए। और राजा परीक्षित ने प्रश्न क्या किया, म्रियमाण पुरुष को क्या सुनना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका स्मरण नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, हे शौनक, इस प्रकार जब राजा ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और मधुर वाणी में कहते हैं राजन, तुमने जो प्रश्न किया है इससे तुम्हारा नहीं सारे जगत का कल्याण होगा। क्योंकि राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूं तो भगवान आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, वहां क्या कहा उन्होंने, म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण मैंने जो मृत्यु के मुख में गया हुआ प्राणी है उसको क्या करना चाहिए। इसका मतलब कि प्रश्न केवल राजा के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए, सबके लिए। हम सब म्रियमाण हैं कि नहीं, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अमर पट्टा लिखवा के लाया है, बोलो ना, किसी के पास हो तो बता देना भाई, हम भी लिखवा लेंगे। मरना तो कोई नहीं चाहता पर अमर पट्टा किसी के पास नहीं, सबको पता है कि हमें जाना है, कब पता नहीं। तो यहां प्रश्न किसके लिए किया, म्रियमाणस्य, मृत्यु के मुख में लटका हुआ प्राणी जो आधा उसके अंदर है आधा बाहर है, बस काल ने श्वास किया और हम उसके अंदर, सभी के सभी जाने वाले। तो प्रश्न हम सबके लिए है कि जो मृत्यु के मुख में लटका हुआ प्राणी है उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने पहले ही कहा कि आप राजा परीक्षित के कल्याण की कथा सुनेंगे तो आपका कल्याण और हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें अपना कल्याण करना है तो राजा परीक्षित की जगह पे हमें खड़ा करना होगा, क्योंकि हमें करना है केवल पढ़ना और सुनना नहीं, हमें करना है। और करना क्या है, राजा परीक्षित की जगह पे खड़ा करना है। कि राजा परीक्षित तो पहले से ही अमर था,
वो तो निमित्त मात्र था हम लोगों के कल्याण के लिए, सब बात सामने आए। अब जिसको जन्म से पहले ही भगवान ने बचाया हो उसको कौन मारेगा? नहीं मरे तो हमें, जिसका भजन करने आए उसको भूल गए, जिसने हमें सब कुछ दिया उसको भूल गए, जिसकी शक्ति के बिना हम एक कदम भी चल नहीं सकते उसको भूल गए, उसको विस्मृत, मैं ऐसा। और एक क्षण के अंदर वो ऐसा अभिमान तोड़ता है कि आप खड़े होना चाहते हो खड़े नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं मेरा वजूद, कुछ भी नहीं। फिर भी हम अभिमान में कुछ नहीं, हमें करना है कि ये जो प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं सुखदेव जी, ये हम सबके लिए है, राजा के लिए नहीं। हम सब राजा परीक्षित खड़े हैं, अब आप तैयार हो जाओ कि म्रिय मानुष्य पुरुष को क्या करना है क्या नहीं, ये सारी भागवत हमारे और आपके लिए है। सबसे पहले विराट रूप में मन की धारणा बताते हैं कि राजन जो समय निकल गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, समझदारी इसी में है कि जो शेष बचा है उसका सदुपयोग कैसे करें। नहीं हमारे जो इतने वर्ष चले गए, बचपन गया, युवा अवस्था गई, किशोर अवस्था गई, वृद्ध अवस्था में आ गए, क्या हम किसी अवस्था को पकड़ के ला सकते हैं? हाँ, इस वृद्ध अवस्था में आ गए तो इसमें इतना कर सकते हैं कि दोबारा इन अवस्थाओं से हमें गुजरना ना पड़े, ये कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है क्या नहीं, सबसे पहले विराट रूप में मन की धारणा। सुखदेव जी बताते हैं कि जो कुछ भी संसार में दिखाई देता वो सभी उस परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का ही कोई ना कोई अंग है, ये धारणा मन में होनी चाहिए। वो विराट रूप है भगवान का, क्या है विराट रूप? ये संसार, इसमें मन को लगा देना चाहिए, मन से विषयों का त्याग कर दे, संसार का परिवार के मोह का त्याग कर दे और मन को भगवान के विराट रूप में लगाए, जिसको हम पाताल लोक कहते हैं। ये पाताल लोक विराट भगवान का पाद मूल कहा गया और एड़ी और पाद का अग्रभाग रसातल लोक को कहा गया और महातल लोक जिसको हम कहते हैं वह भगवान की दोनों गुल्फ हैं। जिसको तलातल लोक कहते हैं, कहते ये कोई लोक नहीं, ये भगवान की जंघा है। और भगवान के दो जानों हैं सुतल लोक, दो उरु हैं वितल और अतल लोक, जिसको हम नाभि कहते हैं, जिसको हम नभस्थल लोक कहते हैं, ये भगवान की नाभि है। और जिसको हम स्वर्ग लोक कहते हैं, ये विराट भगवान का वक्षस्थल है। और जिसको हम जन लोक कहते हैं, ये भगवान का मुख है। जो तपोलोक है ये भगवान का ललाट है और सत्यलोक भगवान के सर का भाग है। और जो इंद्र आदि देवता हैं ये भगवान की बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं, इंद्र आदि देवता जिनको कहते हैं ये भगवान की भुजाएं हैं। और जो दसों दिशाएं हैं ये भगवान के कान है, कर्ण है, शब्द, जो शब्द हम बोलते हैं सुनते हैं ये शब्द भगवान की श्रोत्र इंद्रिय है। और अश्विनी कुमार भगवान की नासिका पुट है। और गंध जो है, जो घ्राण है, कहते वे भगवान की घ्राण इंद्रिय है, गंध घ्राण इंद्रिय है। और अग्नि भगवान का मुख कहा गया है। जहां जहां हमारी दृष्टि जा रही है, जो जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये सब भगवान के अंग हैं, उसके बिना और कुछ नहीं। जितनी नदियां दिखाई देती हैं ना, ये भगवान की नाड़ियां हैं।
क्या है, हमारी है ना नसें, नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं तो वो...